Hello dear friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. Today in this video we are going to prepare some very very important short questions of lesson number 1, the third level from the book The Vistas of Class 12th. Kaksha 12 ki NCERT ki book Vistas ka jo pehla lesson hai ya pehli story hai, द थर्ड लेवल, उसके हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का लेखक कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैक फिने इज द, बाकी सेम है, ऑथर ऑफ द स्टोरी, जैक फिने इस कहानी के लेखक हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हिज राइटिंग्स, जिस तरह किसी भी राइटर या लेखक की अपनी एक पहचान होती है, उसकी कलम की एक अलग शान होती है, आखिर क्वेश्चन है कि जैक फिने की पहचान क्या है। आंसर देखिए, जैक फिने वाज एन अमेरिकन राइटर, वो अमेरिकी राइटर हैं, एक उनकी अलग पहचान है, रिकग्निशन है, लेकिन उनकी राइटिंग की पहचान है, हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर, उनकी जो सबसे मशहूर जो उनके किताबें हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, क्या है, अबाउट साइंस, खासतौर से उन्होंने विज्ञान के बारे में लिखा है, या फिर हम देख सकते हैं फिक्शन, फिक्शन का मतलब काल्पनिक कहानियाँ, ओके, क्रिस सुपरमैन टाइप, एंड थ्रिलर्स, रोमांचक कहानियाँ, वो कहानियाँ जिससे रोमांच पैदा होता हो, ओके, या रोचकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल जो कहानी है उसका नरेटर कौन है, आखिर इस कहानी का सूत्रधार कौन है, ये कहानी हमें कौन सुना रहा है। सो चार्ली, अ 31 ईयर ओल्ड मैन, 31 साल का व्यक्ति है, इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल कहानी का सूत्रधार है 31 वर्षीय एक नवयुवक, जिसका नाम है चार्ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, ये जो लेसन है इसका नाम ही है द थर्ड लेवल, आखिर ये थर्ड लेवल किसके लिए संबोधित किया गया है, या इस लेसन में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है हिंदी में अगर कहें तो। सो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में एक बहुत ही मशहूर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसका जो सबवे है, कहने का मतलब एक तो जो मेन स्टेशन है, दूसरा कहीं एक छुपा हुआ, एक शायद इमेजिनरी एक सबवे है, उसको यहाँ पर द थर्ड लेवल रेफर किया है राइटर ने, दैट टेक्स पैसेंजर, जो यात्रियों को ले जाता है गेल्सबर्ग, एक ऐसी जगह, ये भी चार्ली नाम का जो इस कहानी का एक सूत्रधार है, नरेटर है, वो बार बार उसी के बारे में बातें करता है। इट वॉज एन स्केप फॉर चार्ली, एक तरह से चार्ली का ये बचाव पक्ष है, वो रियल वर्ल्ड से एक अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहता है गेल्सबर्ग थ्रू द थर्ड लेवल, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो चार्ली इस कहानी का सूत्रधार है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5, इज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, क्या द थर्ड लेवल चार्ली का एक बचाव पक्ष है, या बचने का एक मीडियम माने जरिया है या माध्यम है। आइए हम देखते हैं। यस, लाइफ इन लंदन वाज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लंदन में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी भरी हुई है असुरक्षा से, वार, युद्ध से, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होगा या थर्ड सेकेंड कब होगा, देन वरी, चिंता है डेली रूटीन में, हर चीज़ परेशानी है, जॉब है, लाइफ है, फैमिली है, जो हर जगह होती है बड़े शहरों में, एंड स्ट्रेस, इन सब का एक स्ट्रेस है, मैन हैज़ नो कम्फर्ट, और सही मायनों में वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई आराम नहीं है, राहत नहीं है। देयरफॉर चार्ली, मेरा ये पर्सनली मानना है दोस्तों कि चार्ली उन सभी लोगों का जो लंदन शहर में रह रहे हैं एक प्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और वो कहीं ख्वाब देखता है ऐसा
कि किसी तरह इस जगह से कहीं वो एक सपनों की दुनिया में चला जाए. वॉन्ट्स टू एस्केप फार फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. इसीलिए वो इस जीवन की कड़वी सच्चाई से या ये दुखद संसार से या उस संसार जिसमें समस्या ही समस्या हैं कहीं दूर गगन की छाँव में भाग जाना चाहता है किसी शायर की तरह. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रेंड कॉल इट. उसका जो दोस्त है साइकार्टिस्ट वो इस आदत को क्या कहता है. जितनी बार वो थर्ड लेवल की बात करता है उसका फ्रेंड, आखिर उसकी इस आदत को, उसकी इन बातों को कहता क्या है. इंटरेस्टिंगली हिज साइकार्टिस्ट फ्रेंड कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. आंसर छोटा है मगर इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड. उसका जो मनोचिकित्सक दोस्त है वो इस आदत को एक वॉकिंग ड्रीम, चलता फिरता एक ख्वाब देखना कहता है, और फुलफिलमेंट इच्छा पूर्ति करना. उसे लगता है कि एक तरह से चलती फिरती जैसे नींद में चलने की बीमारी होती है, या हिंदी में एक शब्द है दिवा स्वप्न, दिन में देखने वाले सपने. जैसा उसका फ्रेंड चार्ली ख्वाब देखता रहता है कि वो इस संसार से कहीं दूर चला जाएगा ख्वाबों की दुनिया में, जबकि हकीकत में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. तो है ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज हिज फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल के बारे में चार्ली का जो फ्रेंड है जिसका कि नाम सैम है और वो एक साइकार्टिस्ट भी है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है. चार्लीज फ्रेंड एक्सप्लेन्स, चार्ली का मित्र एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी वॉर वरीज एंड स्ट्रेस. कि आज का जो आधुनिक संसार है वो भरा हुआ है चिंताओं से, असुरक्षा से, युद्ध की चिंता से, या लाइफ की प्रॉब्लम से, लाइफ स्टाइल में होने वाली नई नई समस्याओं से. एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप. हर आदमी इस सच्चाई या हकीकत से भागना चाहता है. कहाँ? टू सम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. इस सच्चाई से कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए तो पॉसिबल नहीं, उसे आना है, वो भागना चाहता. यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें. सिनेमा क्या है, मोबाइल क्या है, कॉमेडी शोज़ क्या है, इनकी सक्सेस बताती है पिछले 50-60-70 सालों में कि आदमी अपनी ज़िंदगी में जो उसकी रियल लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो जब जब उसे मौका मिलता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एंटरटेनमेंट की तलाश भी एक तरह की एक स्केप है, वो पॉजिटिव है, लेकिन इस टाइप का ये नेगेटिव है. ओके, आगे देखेंगे. व्हाट डज ही फील अबाउट चार्लीज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. चार्ली की जो हॉबी है उसे स्टैम्प कलेक्शन पसंद है, इसके बारे में उसके दोस्त की राय क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू चार्लीज फ्रेंड, चार्ली के मित्र सैम साइकार्टिस्ट के अनुसार, हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प इकट्ठा करना, पुराने नोट इकट्ठे करना, इस टाइप की हॉबीज को इज एन इंडिकेटर ऑफ हिज स्केप. एक तरह का ये संकेत है भागने का फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सच्चाई से. मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ूंगा, एक टीचर होने के नाते, कि इतिहास को खगालना, इतिहास की बातें करना, ये हमेशा पास्ट में जाना कहीं ना कहीं इंडिकेटर है कि हम अपने प्रेजेंट में सेटिस्फाई नहीं हैं, जैसा कि चार्ली के साथ हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली. इस कहानी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है लास्ट में, कि चार्ली को सैम, उसके फ्रेंड जो एक साइकार्टिस्ट है जिसके बारे में बार बार हम बातें कर रहे हैं, एक लेटर मिलता है. आपकी इस बारे में राय क्या है, आप इसे किस तरह से रेफर करते. आंसर देखिए, द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर. जिस तरह से सैम को चार्ली का लेटर मिलता है, वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री. एक तरह से रहस्यमयी कहानी है. मैं फिर से याद दिलाऊंगा भूल भुलैया की मंजुलिका वाली कहानी, कुछ कुछ वैसा ही, घुंघरू जैसी चीज़ मिलना, पुराने कपड़े मिलना. इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 1894, 1894 की कहानी है. तब का लिखा हुआ लेटर सैम प्रेजेंट में है, 19th सेंचुरी के लास्ट में. ये 18th सेंचुरी के लास्ट की बात है, 100 साल का डिफरेंस दिख रहा है. एड्रेस टू चार्ली, और वो चार्ली के लिए है, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें उस जमाने के प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर भी है. इट ऑल वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज
इमेजिनेशन, एक तरह से कह सकते हैं ये चार्ली के दिमाग में पला हुआ एक ख्याली पुलाव है या एक खिचड़ी जैसा है, ओके, एक कल्पना है या एक भ्रम की कहानी, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेल्सवर्क इन द स्टोरी। बार बार इसमें गेल्सवर्क का जिक्र हुआ है, क्यों, आखिर उसका इस कहानी में महत्व क्या है। इट इज़ वेरी ओल्ड एंड अनफुलफिल्ड विश ऑफ चार्ली टू गो टू गेल्सवर्क। शुरू से ही चार्ली के मन में गेल्सवर्क जाने का सपना है। रीज़न साफ है, आज की ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ की है, थकान की है, भीड़ भाड़ की है। गेल्सवर्क के बारे में ख्वाब देखता 100 साल पहले, जहाँ लोग कम होंगे, लोगों पास वक्त होगा, तो एक ख्वाब है उसका कि काश वहाँ हो पाता। देयरफॉर ही वॉन्ट्स टू गो देयर ऑल द टाइम, इसलिए वो हमेशा वहाँ जाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी कहानियाँ गढ़ता रहता है कि उसे वहाँ जाना है। मुझे एक और बात याद है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात है कि रियल वर्ल्ड परेशानी वाला है, लेकिन जो इमेजिनेशन है वो ख्वाबों पर किसी का जोर नहीं है, वो तो हम अच्छे देख ही सकते हैं ना। तो एक तरह की यहाँ पर ये एक पिक्चर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो आप लाइक ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है और आगे काम करने की हिम्मत मिलती है और हौसला भी। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू।